सरगुजा में कन्नम यात्री बसें बेरोक टोक सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो कि इनकी फिटनेस की जांच करने वाला परिवहन विभाग दफ्तरों में बैठे बैठे बसों की जांच रिपोर्ट को हरी झंडी देता जा रहा है। ऐसे में कन्नम बसों की वजह से कभी कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। नतीजन शहर के आम लोग कबाड़ बसों पर सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन विभाग के लोग दफ्तर में ही बैठकर सारी व्यवस्था दुरुस्त करने का दम भर रहे हैं। आलम यह है कि जर्जर यात्री बसें जिले की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, लेकिन बस मालिकों की जानलेवा हरकत पर कार्रवाई करने वाले मूक दर्शक बने किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। के प्रावधानों को पूरा नहीं कर रही हैं, वगैरह गाड़ियों की खराब स्थिति में शीशा टूटे हुए हैं, सीट फटे हुए हैं, चलने लायक आवाज़ नहीं आ रही, इन गाड़ियों को फिटनेस निरस्त किया जाएगा और उसके बाद उनको पुनः रिकंस्ट्रक्शन करवाने के पश्चात इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसके बाद ही उसको फिटनेस जारी की जाएगी। परिवहन और बलराम